ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की बढ़ोतरी होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। सिरसा जिला में 70 गांवों का चयन हॉटस्पॉट के रूप में किया गया है। इन गांवों में संक्रमण के फैलने को रोकने के लिए आइसोलेशन वार्ड भी स्थापित किए गए हैं। दवाइयां भी घर घर भेजी जा रही हैं। लोगों के सैंपलिंग से बचने के कारण क्षेत्र में साइलेंट डेथ के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री व उपायुक्त प्रदीप कुमार के दिशा निर्देश अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हॉटस्पॉट चिन्हित गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं। आरएमपी डॉक्टरों का सहयोग भी लिया जा रहा है ताकि लक्षणों वाले मरीजों व उनके परिवारों को जागरूक किया जा सके और वे टेस्ट करवाकर खुद की जिंदगी को बचाए, साथ में दूसरों की जिंदगी भी बचाए। हमने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने अपने जिले के 70 गांव ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे लिए ऐसा है जहां पे केसेस ज़्यादा हैं। उन 70 गांव में हमने डीसी साहब के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर एक टीम का गठन कर लिया है और वहाँ पर हेल्थ टीम होगी, जो हेल्थ टीम वहाँ पर सर्विस देगी। आज हमने यहाँ पे आरएमपी डॉक्टर्स के साथ भी मीटिंग की है और उनकी सेवाएं की भी जरूरत रही। हाँ, वहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स हैं पीएचसी में, वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने वहाँ पे एक 20 बेड्स का एक आइसोलेशन वार्ड भी है और हम उसको अपग्रेड भी करने जा रहे हैं। दवाइयाँ भी वहाँ पर चाही जा रही हैं। जल्दी वहाँ सैम्पलिंग का प्रोसेस भी हम रेगुलरली जारी है नियमित तौर पर जितना हम चाहते हैं उतना वहाँ पर नहीं हो रही। दूसरा, हाँ, सैंपलिंग नहीं करवा रहे लोग, क्या दो नहीं बातें हैं। लोग बचना भी चाहते हैं कि हमें सैंपलिंग ना करानी पड़े, कि हम नहीं चाहते कि उनकी कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट आए। और बाकी हमारी टीम्स वहाँ पे सजग हैं। कुछ लोग जो हैं वो, क्योंकि इस कोविड में बीमारी तो जब ज़्यादा फैल जाती है लंग्स में और सीनियर सिटीजन में, तो इसमें डेथ रेट्स ऑब्वियस ज़्यादा हैं। और ये अकेला ऐसा गाँव नहीं है, और भी हमारे प्रदेश में गाँव हैं जहाँ पे डेथ जो है नंबर साइलेंट डेथ का बढ़ा है। क्या सर है साइलेंट डेथ सर, आपको मतलब डेटा मिलता है जो साइलेंट डेथ? अभी हम उसका डेटा मांगा हुआ है, 15 तारीख तक का हमने रिपोर्ट मांगी है कि पिछले साल के साथ कंपेयर करके देखेंगे कितनी हमारी डेथ आती है, फिर उसके हिसाब से उसका आंकलन किया जाएगा।